हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम निकल रहे हैं दिल्ली को पिथौरागढ़ से। सो आज थोड़ी बारिश हो रही है तो सरफेस रोड जो है वेट है, तो और मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है, थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा भी है, तो मज़े आने वाले हैं आज के टाइम में। ज़्यादा गर्मी नहीं है बेसिकली, और सुना है दिल्ली में भी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, ठीक ठाक है वहाँ का मौसम। एक्चुअली बारिश हो रही है तो शायद व्यू में थोड़ा दिक्कत आएगी, बिकॉज ये फोकस बारिश की बूंदों पर हो जाते हैं। यहाँ मस्त वाला कोहरा छा रखा है। 11 देवी में पहुंचे अभी। बारिश में तेज चलाने को डर ही लगता है, अभी फिसली भी थी एक बार गाड़ी पेड़ में, ऐसे कंट्रोल तो होती नहीं, बट डर तो रहता ही है भाई। कैमरे का सेटअप थोड़ा सही है, एक्चुअली थोड़ा हायर एंगल बन रहा था, या फिर से बारिश हो गई तो खास करके ढलान वाली रोड में ज़्यादा इश्यू आता है। एक्चुअली गाड़ी खुद ही स्पीड पकड़ लेती है, फिर ब्रेक मार कर निकल जाती है, खासकर मोड़ों के आसपास ब्रेक अवॉइड करनी चाहिए मोड़ पे जब टायर मुड़े रहते हैं। और इन ट्रक वालों का जो लोडेड होते हैं, इनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी, बिकॉज इनका तो पूरा मोमेंटम माना उतना कहाँ कंट्रोल हो पाता है, इसलिए स्लो स्लो चलते हैं। अब यहाँ पे गुरुना माता के मंदिर में रुकेंगे, थोड़ा पानी वानी भर लेंगे, आराम करते हैं, फिर निकलते हैं। 5 मिनट का ब्रेक। जय माता दी। तो दोस्तों, माता का आशीर्वाद लेके निकलते हैं गुरना मंदिर से, माता यात्रा को शुरू करें। जय माता दी। अभी थोड़ा कैमरे का एंगल भी सही है, ये अभी सुबह ही लगाया एक्चुअली मैंने मोबाइल होल्डर लिया, तो इस वजह से एंगल सही नहीं बन रहा था, कैमरे का ऊपर जा रहा था। तो हम जा रहे हैं, जैसे अगर मैंने बताया ना, बाय द वे नोएडा जा रहे हैं किसी काम से, आ जाएंगे द्वारका, फिर उसके बाद कल नोएडा में आना है किसी काम से।
अगस्त के महीने में ड्राइव कर रहे हैं बादल तो नहीं, लेकिन अभी मार्च लास्ट है, 31st मार्च। पहाड़ कितने सुंदर दिखे जा रहे हैं, गोरा कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। मौसम में ही थोड़ा ज़्यादा सही रहता है ड्राइव करने को, बिकॉज रोड थोड़ा सूख जाएगी तो फिर गाड़ी फिसलती फिसलती होती है, डर कम रहता है। प्लेन्स में तो उतना मैटर नहीं करता, बट पहाड़ों पे दिक्कत होती है, बिकॉज बैंड होते हैं, बैंडों में मोमेंटम बना के सही बना के रखना जरूरी होता है गाड़ी का, फिर गाड़ी भारी हो तो दिक्कत करती है। अभी हम लोग चंपावत और लोहाघाट के बीच में हैं, थोड़ी देर में चंपावत आ जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि बारिश थी ना, तो इस वजह से स्लो चलना पड़ा, फिर तेज चलते तो 2 घंटे में पहुँच जाते आराम से। अरे नहीं, 2 ही घंटे में हो रहे हैं, सॉरी 10:30 हो रहा है, 10:45, 8:15 में, 9:15 में निकले थे लगभग घर से। Chai mein
अभी कितना सुहावना हो रहा है मौसम, बिल उधर बिल्कुल अंधेरा, इधर बिल्कुल उजाला। चेक पोस्ट है एक, तो अब यहां से ढलान चालू हो गया, अब सीधे टनकपुर वाला चलती तक ढलान रहेगा, चलती के बाद फिर चढ़ाई है सुखी डांग तक, सुखी डांग से फिर पूरा ढलान। हमें 3 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए, लगभग 4-4.25 घंटे में टनकपुर पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे ले लेंगे तो 6-7 घंटे लगेंगे ही, लेकिन यह कि प्लेन की रोड है तो स्पीड ठीक ठाक होगी अगर बारिश ज़्यादा नहीं हो रही हो तो। अदरवाइज बारिश हो रही हो तो फिर 80-90 पे रखनी पड़ती है गाड़ी अगर ज़्यादा बारिश है तो। चलती का मार्केट, यहाँ खाना वाना भी मिल जाता है सही से। अभी 12 बज रहे हैं, हम तो खाएंगे 1:30 बजे शायद रुद्रपुर के आसपास। टनकपुर यहाँ से आप 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगेगा। तो अभी हम पहुँचे हैं टनकपुर से ठीक पहले एक व्यू पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ से आज नज़ारे शानदार हैं बिकॉज मौसम साफ है। ये देखिए जो रिवर दिख रही है आपको, ये शारदा रिवर है, ये एक्चुअली काली नदी और सरयू मिलके फिर शारदा बनती है। ये काफ़ी प्लेन्स का व्यू आ रहा है लंबा सा, और इधर पूरा जंगल है इस एरिया में, तो पूरा जंगल का एरिया है। और ये जो सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पूर्णागिरी है, इधर पूर्णागिरी धाम।
6.5 घंटे कहीं जावा हमने भी ना, तो 6.5-7 घंटे में होंगे, हमें 8 बजे के लिए पहुँचेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं मुरादाबाद। एक्चुअली रास्ते में हुई थी बड़ी भयंकर बारिश, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब जहाँ पर 100-110 की स्पीड आनी चाहिए थी वहाँ पर आ रही थी 60-70 ऐसे चल रहे थे, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब बारिश बंद हो चुकी है, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।